प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी जो होता है 3 बजे के बाद हमें देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी आसानी से पैसा बना सकते हैं। इसमें काफ़ी लोगों ने डाउट पूछा, काफ़ी लोग को लगा कि ये चीज़ सही से काम करता नहीं है, बहुत से लोग अपना अपना अपने अपने हिसाब का उसमें कन्फ्यूजन है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं उसी को क्लियरली से पहले जानने वाले हैं, जो एडजस्टमेंट थ्योरी होता है किस तरीके से काम करता है। कुछ एक ना बेसिक बेसिक पॉइंट है, पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और उस बेसिक पॉइंट में सबसे पहला टर्म होता है जिसका नाम होता है स्ट्रैडल। दो टर्म होते हैं, एक स्ट्रैडल होता है और एक स्ट्रैंगल होता है। जैसे कहीं पे भी चल रहा है ना, यहाँ पे एक इसको भी स्पॉट का प्राइस बोलते हैं 21,800, एकदम बेसिक है, आपको शायद हो सके पता भी हो। ये दिए 21,850 है, 21,900 दिया, 21,950 हुआ। 21,950 का यहाँ पे कॉल हो गया 195 में हो गया, और पुट कितना में दिया है 92 में दिया हुआ। 21,900 का कॉल दिया 230 में, पुट दिया कितना का 75 का दिया। तो जिस टाइम पे आप नॉर्मली खरीदते हो तो सिर्फ कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो, यहाँ पे क्या होता है ना स्ट्रैडल के केस में, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट दोनों को खरीदते हो या दोनों को बेचते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमें 21,900 का कॉल है, कॉल को भी खरीदे यानी कि 230 रुपये, और पुट को भी खरीदे तो कितना हो गया 75 रुपये। मतलब पर एक के लिए हम जितना लॉट साइज होगा उसे इस नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो खर्चा मेरा वहाँ पे होगा दोनों के एक एक लॉट का। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको होगा कि स्ट्रैडल को हम क्या किए हैं, लॉन्ग किया हमने, क्योंकि इसको हमने खरीदा है सेम स्ट्राइक प्राइस के, कॉल और पुट दोनों को खरीदते हैं, इसे स्ट्रैडल कहते हैं, खरीदते हैं तो लॉन्ग हो गया। एक और कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21,900 का कॉल प्लस पुट, इस दोनों को आप क्या कर दो, इसको सेल कर दिए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हमने क्या किया, हमने किया है स्ट्रैडल को शॉर्ट किया है यानी कि बेच दिया है। दो चीज़ होती है। तो पहला चीज़ स्ट्रैडल समझ गए कि सेम स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉल और पुट दोनों को या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे स्ट्रैडल कहते हैं। और स्ट्रैडल के लिए कंबाइंड प्रीमियम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोला जाएगा 21,900 के स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या हो जाएगा, तब क्या बोलोगे, इसका स्ट्रैडल का प्रीमियम हो गया पुट का दिया 75 और कॉल का दिया 230, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 305 रुपया इसका कंबाइंड प्रीमियम हुआ स्ट्रैडल की अगर हम बात करेंगे तो। अब इसका हमारे एक्सपायरी के थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये 3 PM जो स्ट्रैटेजी होता है, जो 3 बजे के बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है, उसमें कैसे काम करते हैं, इस बात को समझना है। अब देखोगे कि 3 बजे के बाद जो मोस्टली मेरा मार्केट होता है ना, मार्केट का मूवमेंट एक रेंज बाउंड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये हमारा निफ्टी का भी जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी हुआ था उसका मूवमेंट दिया है, तो ऊपर हम देखेंगे 22,50 की अगर हम बात करेंगे, 22,050 इसका अपर बाउंड्री हो गया, और नीचे वाले में कैसा हो गया 21,996 हो गया। मतलब इसको मान लो 22,000 ही मान लो, मतलब कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं है, वो भी अप डाउन मूवमेंट होता है। मतलब 3 बजे के बाद मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, बहुत कम चांस है कि किसी भी साथ में डिसाइसिव मूवमेंट देगा, खास करके आजकल तो नहीं देता, इसी रेंज के बीच में अप डाउन करते रहता है। होता है यहाँ पे क्या है कि जो इस समय का स्ट्रैडल होगा, 3 बजे के पास में स्ट्रैडल होगा, जैसे मान लो कि इस समय इसका प्रीमियम कितना चल रहा था, 22,45 चल रहा था, तो 22,45 है तो कौन सा स्ट्रैडल हो गया, जो 22,022 दिया, कितना दिया 45 दिया, ये कौन सा स्ट्रैडल होगा, तो इसके पीछे का स्ट्रैडल कौन सा हो जाएगा, 22,000 हो गया। इसके आगे वाला कैसा हो गया, 22,050 हो जाएगा ना, तो किसके ज़्यादा पास है, 22,045 के नज़दीक है ना, तो 22,050 का स्ट्रैडल उसे हम काउंट करेंगे। हमने उसी 22,050 वाले स्ट्रैडल को हमने यहाँ पे कंसीडर किया और इसके प्रीमियम के बारे में यहाँ पे चर्चा करना शुरू कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे 3 बजे से स्टार्ट किया हमने। कॉल साइड का प्रीमियम 5.02 रुपया था, पुट का प्रीमियम 17 रुपये यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के लिए कुछ सर्टन कंडीशन, ऐसा नहीं कि हर बार उठना है इसमें ट्रेड कर देना है, देयर आर सर्टन कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए एडजस्टमेंट थ्योरी के लिए, तब जाके आपका पैसा यहाँ पे अच्छे तरीके से बनता है। क्या है वो कंडीशन, सबसे पहला बोलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होना चाहिए, यानी कि विक्स की वैल्यू जो दी हुई है ये ज़्यादा होना चाहिए। अब कितना परसेंट होना चाहिए एग्जैक्ट के लिए डिटेल में बात करेंगे, जो ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। दूसरा है कि ये आपका एक क्लियर कट कैलकुलेशन होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन चेन, कि मार्केट जो मेरा दिया हुआ है ना किस रेंज में एक्सपायर करने वाला है, इसका एक हमको रफ आइडिया अगर पहले से है तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा होता है कि कॉल और पुट के प्रीमियम के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है 3:04 में देख रहे हैं, तो 5.02 रुपया कॉल का, पुट का 17.45 रुपया दिया है, ऑब्वियसली ज़्यादा वाला वो क्या करेगा, टूटना पड़ेगा ना उसको। नेक्स्ट है कि ये 3 बजे के बाद इस लॉजिक पे ट्रेड करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद क्या होता है कि मार्केट के पास जो टाइम होता है इस प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए वो कम होता है, और उस कम टाइम होने की वजह से उसमें स्पाइक आने की पॉसिबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, समझ पा रहे हो बात, तो टाइम फैक्टर जो होता है ना यहाँ पे अपना काम कर जाता है। नेक्स्ट होता है कि ये ट्रेड ना काफ़ी इमोशनलेस होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि एंट्री करने से पहले आपका जो स्टॉप लॉस है
और जो आपका टारगेट है, दोनों डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टारगेट पे पहुंच गया तो बैठ के सोच रहे हैं कि एग्जिट करें कि ना करें, एग्जिट करना है नहीं तो अगले ही पल वो नीचे आ चुका होगा, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री और एग्जिट होना चाहिए एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, काफ़ी क्विक होता है और इसमें इमोशन के लिए कोई जगह नहीं इस ट्रेड के लिए। इसमें ट्रेड में एकदम काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन है, तुरंत में गए, तुरंत में एग्जिट किया, तो ये काम जितना क्विक करेंगे उतना अच्छा आपका क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये हमारा कंडीशन है जिसमें ये ट्रेड को आपको फॉलो करना है। अब जरा इसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने देखा कि 22,050 का स्ट्रैडल हमने लिया, तो 3 बजे के पास यहाँ पे देखोगे तो कितना हो रहा है, 5 रुपये इसका चल रहा है, 17 ही चल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, कंबाइन प्रीमियम कितना 17 और 5 कितना 22 दिया हुआ है। मान लो कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसको एक्सपायर करना है 22,050 पे करना है, 22,000 के आसपास में कर जाना है इसका एक्सपायर। देख लेते हैं इसका चार्ट में क्या दिया है, ये हमारा इसे 22,000 के आसपास में गया, 22,050 का हम लोग इस लेके चल रहे, तो 22,050 पे क्या करना है, इसको एक्सपायर कर जाना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें आइडिया लगाते हैं कि 5 का कम है 17 का ज़्यादा, 17 को टूटना पड़ेगा। तो देखो टूटना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हुआ अभी 3:01 के आसपास चलते हैं, पूरा टाइम के साथ इसके प्रीमियम का चार्ट दिया हुआ, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए 17 से टूटते 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 13 तक गया है, ठीक है, और ये 6 से बढ़ते बढ़ते 7 गया। देखो ध्यान से किस लॉजिक पे काम करता है, चार्ट का झंझट छोड़ो, ये 13 के बाद क्या हुआ, इस लाइव इस एक्सेल शीट को भी देख सकते हैं किस तरीके से प्रीमियम वहाँ पे ऐड ऑन होता है। अब देखो 14 से फिर 15 पे बढ़ने चल स्टार्ट हुआ, 17 पे चलने लगा, कॉल का प्रीमियम फिर से घटना स्टार्ट हुआ, 5 से घट के कितना हो गया 4 हो गया, 16 पे आ गया, फिर ये 17 पे आ गए, ये लगभग 4 के पास आ गया, ठीक है। अब कॉल का प्रीमियम जो मेरे पास 8 का था वो लगभग घट के 4 हुआ था, लेकिन पुट का प्रीमियम में कुछ ज़्यादा टूटने का काम यहाँ पे नहीं हुआ, यानी कि मार्केट पुट साइड बायस्ड है, पुट का प्रीमियम ऐड हो रहा है टूट नहीं रहा, मतलब तय है कि पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कॉल के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा सा और डेंजर है, पुट का प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है खुद से बढ़ते जा रहा है तो उसमें थोड़ा आसानी से हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं तो 3:01 हुआ, 5 और 12 रुपये हो चुका है। अब देखो 4 है, 4 और 13 यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। अब क्या होता है 4 रुपये 7 पैसा दिया है, ये 13 पे दिया हुआ, अब थोड़ा 4 रुपये पे बेट लगाने का टाइम आ गया है। तो हम लोग इसमें छोटा 50% का टारगेट रखते हैं, 4 रुपये दिया 5 का मान लो खरीद लो, इसमें 50% का टारगेट रखाते हैं, तो मेरे को कितना चाहिए लगभग 7.5 के आसपास चाहिए, चलो 7.20 तक चला गया, ठीक 3:01 पे डन, डिफरेंस आ गया, लोअर वाले साइड को खरीदते। अब देखो पुट का प्रीमियम था घट के कितना आ चुका है, 8 आ चुका है, दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 8 और 7 15 रुपये हो गए, घटा के इसको ख़त्म करना है, लेकिन ज़्यादा कौन है पुट का, कम किसका है कॉल का, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, 3:02 हुआ, 3:05 के अराउंड में हम लोग देखेंगे क्या एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट होने का टाइम देते हैं, एक ट्रेड हमारा हो चुका है। ऐसे करते हैं, इसमें बेसिक जो लॉजिक लगाते हैं उस पर फोकस कीजिएगा। 2 मिनट हो गए इसको एडजस्ट करने, अब देखो कंबाइन प्रीमियम कितना है 6 और 5 11 पे पहुंच रखे हम लोग, फिर 8 और 5 कैसा है 13 है, कंबाइन प्रीमियम यहाँ बढ़ने लगा है। अब फिर देखोगे कॉल के प्रीमियम 5 पुट का कैसा होगा 8.55, ठीक है जी, पुट साइड मार्केट यहाँ पे बायस लग रहा है, देखो पुट साइड बायस लग रहा है, कॉल का घटते गया पुट का यहाँ पे बढ़ते गया 3:05 पहुंच गया। फिर चलिए 4 हो चुका है, 7 हो रखा है, 4 और 7 दिया 4.3, 7.75 दिया हुआ, ठीक है बढ़िया है, 3.7 एंड 8.25 दिया हुआ है, 3:05 हो रहा है। अब क्या होता है जो 3.7 है इस पे बेट लगाते हैं, 8.25 वाला है ना ज़्यादा है, तो 3.7 वाले पे कहिए 50% का अपना रखना है रिटर्न, 3.7 पे बाई किए 5 रुपये का रखते हैं आसपास में, तो कहाँ तक गया है 5 के लेवल को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 3:06 पे 5.35 रुपये पे टच कर जा रहा है, और हम लोग इसका बाई कर रहे थे यहाँ पे 3.50 रुपये के आसपास, ठीक है। दूसरा हो गया मेरा 3:06 हो रखा है एग्जिट, फिर मार्केट को थोड़ा कूल ऑफ होने का टाइम देंगे 5 मिनट, 3:10 के आसपास तक चलते हैं, 3:10 तक चलते हैं, या प्रीमियम का कॉम्बिनेशन जब तक मेरा अच्छा बन जाए 3:07 पे आ गए जरा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अब 2 मेरा एग्जीक्यूशन हो गया तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं पूरा बैठ के करना है, 2 निकालो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बेसिक लॉजिक समझना क्या करना है, प्रीमियम के कंबाइंड वैल्यू को एडजस्ट करना है, जो स्ट्रेडल जहाँ पे मार्केट एक्सपायर होने वाला होता है ना उस जगह पे वो काम करते हैं, जो ज़्यादा वाला तो उसको घटाना है, और उसी का इफेक्ट कम वाले पे आता है, कम वाला बढ़ जाता है। एक्सपेक्टेशन 50% रखोगे, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हर बार फुलफिल होगा और हर बार आप प्रॉफिट वहाँ पे बुक करोगे। और भी डिटेल में बात करेंगे, एक ओवरऑल आइडिया था, स्ट्रेडल का कॉन्सेप्ट समझना और प्रीमियम को जोड़ना और किस तरीके से ये हर सेकंड पे जो प्रीमियम होता है उसको देखना, एनालिसिस करना। ये सीट हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, आप देखिएगा कि प्रीमियम हर सेकंड में कैसे वैरी करता है उस एक्सपायरी वाले स्ट्रेडल में, तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया आएगा वहाँ पे कि ऐसे वैरी किया है इधर चार्ट में और इधर प्रीमियम में। पुराने डेटा का प्रीमियम का डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास है, शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। कितना समझ में आया बताइएगा ज़रूर, और क्या क्या जानना है ये भी जरूर लिखिएगा, अच्छा लगा ख़राब लगा लिखना ज़रूर, ठीक है। अगर यहाँ तक देखें तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हाँ टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।